8 नवंबर 2020 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन, जब डेमोक्रेट सेनेटर कमला हैरिस ने पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनकर नारी शक्ति का साक्षात उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया। कमला हैरिस का नाम उन सभी महिलाओं के साथ जुड़ गया जिन्होंने सोसाइटी की सोच को चैलेंज करके अपने सपनों को पूरा करते हुए एक नई दुनिया बनाने के जज्बे की मिसाल कायम करी। और कुछ ही दिनों पहले हम सभी ने नवरात्रि का उत्सव भी मनाया। ये सब होने के बावजूद आज भी हमारे देश में ऐसी ढेर सारी महिलाएं हैं जिन्हें खुलकर एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ने का मौका नहीं मिलता, जिन्हें हमेशा पराया धन समझकर बिना किसी देरी के शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। यू नो द मोस्ट आयरोनिक पार्ट इज दैट देर आर सम पीपल हु ट्रीट देयर वुमेन लाइक गार्बेज। दे ट्राई टू गेन कंट्रोल ओवर देयर वुमेन बाय द यूज ऑफ फोर्स and then claim to be the flag bearers of modern thinking. In this video, we are going to talk about a film that will leave you stunned with a brutally honest depiction of a barbaric mentality towards women and how it needs to be eradicated with immediate effect. Directed by Pushkar Mahabal and written by Ankita Narang, Welcome Home is surely not meant for the faint-hearted. Aisa isliye hai kyunki ye film hame hamare samaj ke एक ऐसे कड़वे सच से रूबरू कराती है जिसे देखकर समझने के लिए सच में बहुत हिम्मत चाहिए। इस फिल्म के टीज़र को देखकर मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद ये एक हॉरर फिल्म है, और ऐसा ही हुआ। लेकिन ये कहानी किसी भूत प्रेत से नहीं बल्कि इंसान के कर्म के परिणामों से आपको डराएगी। दिस स्टोरी बिगिन्स विद द लाइफ ऑफ आर फर्स्ट फीमेल प्रोटैगनिस्ट अनुजा, अ स्कूल टीचर हु इज बीइंग फोर्स्ड टू लीव हर जॉब in order to get married as soon as possible with her fiancé. Though she is not willing to leave her job too soon, she is being continuously forced by her father to tie the knot. Our second female protagonist is Neha, who also works in the same school. She has been allowed to continue her job only if she follows all the restrictions imposed by her elder brother. Iska matlab school se ghar aur ghar se school. Anuja aur Neha ke character introductions हमें करंट सिनेरियो में हमारी सोसाइटी की मानसिकता के बारे में बताते हैं। अनुजा उन सभी लड़कियों में से एक है जिन्हें लाइफ में सेटल होने के नाम पर अपने सपनों को भुलाकर शादी करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, और नेहा की तरह ऐसी कई लड़कियां हैं जिनके ऊपर ज़बरदस्ती के रिस्ट्रिक्शंस लगाकर उन्हें कैद कर दिया जाता है। इसके बाद जनगणना यानी कि सेंसस का हिस्सा बनने के तहत अनुजा और नेहा को अलग अलग गाँव में जाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लेकिन खुबाला गांव के बारे में जानने के बाद उन्हें थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि इस गांव में सिर्फ एक घर है। फिर भी इस बात को इग्नोर करते हुए अनुजा और नेहा उस घर में जाने का फैसला करती हैं। लाइक आई सेड बिफोर, वेलकम होम टेक्स चार्ज ऑफ हाईलाइटिंग द हॉरिफिक रियलिटी ऑफ वुमेन हु डोंट जस्ट कॉम्प्रोमाइज विद देयर ड्रीम्स बट देयर एंटायर लाइफ। द थीम ऑफ दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स अबाउट सेक्सुअल अब्यूज, but it also covers all kinds of atrocities faced by women in their daily lives. In order to accomplish such emotionally impactful storytelling, the makers of this film have made some stupendous creative choices. They have utilized every cinematic element to its fullest potential. Aur ye sari creative choices is puri film ke har ek hisse ko appreciable banati hain. Sabse pehle to ye ki is film ki cinematography bahut zyada impressive hai, और खासकर जितने भी ट्रैकिंग शॉट्स हैं उन्हें बहुत स्किलफुली एग्जीक्यूट किया गया है। इस फिल्म में कलर ग्रेडिंग को लिमिटेड ना रखते हुए डिफरेंट कलर पैलेट्स को यूज़ किया गया है टू शो दैट सच फ्राइटनिंग इवेंट्स डोंट जस्ट हैपन इन द डार्क और बिहाइंड क्लोज डोर्स, दे कैन टेक प्लेस इवन इन ब्रॉड डे लाइट। नेक्स्ट वी हैव द बैकग्राउंड स्कोर दैट नॉट ओनली एलिवेट्स द सीरियसनेस ऑफ स्पेसिफिक प्लॉट पॉइंट्स but it also controls the flow of emotions in the entire film. और यहाँ तक कि कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसमें कैरेक्टर के एक्शंस को मिमिक करते हुए म्यूजिक को प्लेस किया गया है, which have come out really well. इस पूरी कहानी में सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर के परफेक्ट कॉम्बिनेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है ये ड्रोन शॉट जो फिल्म के थर्ड एक्ट की एंडिंग में देखने को मिलता है। इन टर्म्स ऑफ सिनेमेटोग्राफी
The zooming out motion of the drone is signifying the rising state of feeling helpless and hopeless, क्योंकि इस शॉट के ठीक पहले हमने देखा कि किस तरह अनुजा और नेहा एक बार फिर उस घर से भाग नहीं पाई और किस तरह घनश्याम और उसके नौकर भोला ने नेहा के भाई को मार डाला। When it comes to the background score, the choice of the ominous tunes helps in setting up a chilling tone and mood of the scene. Otherwise, just imagine if you use a travel vlog music for this shot. It will completely transform your perspective, right? This is the power of choosing the right background music. Now, when it comes to the acting performances, I was genuinely left speechless after observing the mastery of Bolaram Das, who has played the character of Bhola. Although this entire cast is absolutely fresh for me, what struck me the most was the duality in the nature of Bhola's character, for which Bolaram Das deserves a mighty applause. What I mean by the dual nature of this character is how at one point he can behave just like his name, sweet, innocent and friendly, but he can also become your worst enemy. His smile is what defines his duality, honest and cunning, gentle and brutal. Welcome Home is certainly an immaculately crafted film that has the ability to captivate the audience right from the beginning. This brilliant cinematic effort will strengthen your confidence about the growing presence of some amazing storytellers in our country who are desperately waiting to bring something different to the table. Welcome Home is definitely a proud addition in the list of the incoming surge of a new independent film movement. I cannot wait to watch many more such thought-provoking films that celebrate the true spirit of cinema, just like Welcome Home. So now it's time for you to share your thoughts about Welcome Home, and I will see you soon in the next video. Till then, my name is Porush. Thank you so much for watching the 70mm show. Long live cinema. You can support this channel by hitting the red subscribe button and pressing the bell icon so that you don't miss any future videos.